हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शिव कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम मैथ बेसिक मैथ का अगला पार्ट लेकर आए हुए दोस्तों, जो कि हर एक कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों ना केवल छोटे बच्चे ही देखें बल्कि इसमें एसएससी पीएससी तैयारी करने वाले भी देख सकते हैं। चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, दोस्तों सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज एक ही चीज सीखेंगे अपन, 9999 का गुणा। किसी संख्या से 9 का गुणा, 99 का गुणा, 999 का गुणा या 9999 का गुणा, ठीक है, या 99999 का गुणा। दोस्तों इन अंकों का गुणा करते समय हमें इस प्रकार से गुणा नहीं करना। जैसे यहाँ पर आ गया 10, यहाँ आ गया 20, यहाँ आ गया 115, कुछ भी गुणा करना है दोस्तों तो इनको डायरेक्ट इस प्रकार से हल नहीं करना है, डायरेक्ट गुणा नहीं करना। इसको किस प्रकार से करना है वही चीज आज हम देखने जा रहे हैं। दोस्तों 9 को लिख सकते हैं आप क्या, यदि 10 में 1 घटा दें दोस्तों कितना हो जाएगा 9। इसी तरह से आप 99 को कितना लिख सकते हैं दोस्तों, तो 100 में 1 घटा सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों 1000 में भी 1 घटाएंगे तो 999। इसी तरह से 10000 में 1 घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 9999 10000 में। और इसी तरह दोस्तों 1 लाख में 1 लाख में 1 घटाएंगे तो 99999 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये ट्रिक है दोस्तों, इसके माध्यम से आपको गुणा करना है, ठीक है दोस्तों। एक वीडियो में एक ही कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, धीरे धीरे करके पूरे वीडियो बनाऊंगा। एक ही दिन में पूरी चीजें नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक मैथ है। बेसिक का मतलब होता है दोस्तों धीरे धीरे करके सीढ़ी पर आगे चढ़ना। तो दोस्तों आप धीरे धीरे करके हर चीज सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं गुणा करके कैसे गुणा करेंगे। दोस्तों कितनी भी लंबी गुणा क्यों ना हो दोस्तों, बस मिनटों में हल हो जाएगा, बस मिनटों में, क्योंकि गुणा करना लंबा होता है दोस्तों। इस तरह की संख्याओं को गुणा नहीं करना है, डायरेक्ट सिंपल सा दोस्तों समझिए। जैसे आ गया दोस्तों 980 का गुणा है, आपको किससे करना है दोस्तों 99 से। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, आपको क्या करना है 980 रहने देना है, 99 को कितना करना है 100 माइनस 1 कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों 98 का 1 से गुणा कर दें और 3 जीरो रख दें, और 98 का 980 का 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 980। अब दोस्तों घटा दीजिए, 0 में 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 है, 0 में 8 जाएगा नहीं तो 10 मानेंगे, 10 में 8 जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 2, हाँसी लेकर आएगा तो ये 10 हो जाएगा, फिर 10 में 10 तो 0 हो जाएगा दोस्तों। अब हाँसी लेकर आएगा 8 में 1 गए 7 और ये कितना हो गया 9, ये हो गया दोस्तों कितना 97020, इसका क्या हो गया आंसर। तो गुणा करने में दोस्तों बड़ा लंबा चौड़ा रहता है, लेकिन क्या है दोस्तों इस तरह से आसान होता है गुणा करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से आप 999 का देखें, एक एक एग्जांपल मैं बताऊंगा दोस्तों, बाकी आप अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉपी ले लें दोस्तों हमेशा, नोट और पेन, नोटबुक और पेन हमेशा लेकर बैठे, ताकि हल करते जाए कॉपी करते जाए अपने बुक्स नोटबुक में। चलिए दोस्तों 999 का हमको गुणा करना है, किसके साथ गुणा करना है दोस्तों 825 के साथ। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो 999 को हमने क्या बताया 1000 में 1 घटाएंगे तो 999 आएगा, और दोस्तों 825 का 825 रहने दीजिए। अब क्या करेंगे दोस्तों 825 का 1 से गुणा करेंगे तो 825 आएगा, 000 तो 000 रख देना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसी प्रकार 825 का 1 से गुणा करेंगे तो 825 आएगा। अब क्या करना दोस्तों, घटा देना, घटाना तो बड़ा ही आसान है, सभी को सबसे बनता है दोस्तों। तो यहाँ पर 0 है, 0 में 5 घटेगा नहीं तो 10 मान लेंगे, 10 में 5 दोस्तों तो 5, हासिल यहाँ पे आता है दोस्तों कैरी जिसे बोला जाता है 3 हो जाएगा, 10 पुनः मानेंगे, 10 में 3 दोस्तों 7, पुनः एक बार हासिल यहाँ आ जाएगा 9, 10 में 9 गए 1, पुनः एक बार हासिल आ जाएगा तो 5 में 1 4 दोस्तों और 2 और 8, ये दोस्तों क्या हो गया आंसर, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों बड़ा ही आसान होता है इस तरह चेंज करके गुणा करने में। यदि दोस्तों उस प्रकार से गुणा करते हैं आप तो थोड़ा सा क्या होगा, लेंदी हो जाएगा और दोस्तों समय भी ज्यादा लगता है। आप चाहे तो उस तरह भी कर सकते हैं यदि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि 3 स्टेप में गुणा करना पड़ेगा, कितना दूर कितना थोड़ा परेशानी होगा दोस्तों, समय का लॉस होगा। इसलिए आप क्या करें दोस्तों, हमेशा यही ट्रिक आजमाएं और हमेशा लगाएं भी, ताकि कम समय में हल हो सके। चलिए और लंबे से देख सकते हैं दोस्तों, जैसे आपको गुणा करना है 99000, ठीक है 999 का गुणा किसी से करना है दोस्तों, कोई जरूरी नहीं 8280, ठीक है कुछ भी हो सकता है, अंक कुछ भी हो सकता है, अपने आप में ले सकते हैं। अब इसको मैंने क्या बताया 1 लाख में दोस्तों, कितने में 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 1 लाख में 1 घटाएंगे तो कितना आता है 99999, और गुणा में कितना होगा 8280 यानी 8280। अब मैंने क्या बताया, इस पूरा गुणा 1 से करेंगे तो 8280 एक कम 8280 मतलब 8280
और कितने जीरो हैं, तो 5 जीरो हैं, बिना सोचे समझे 5 जीरो लिख दें और फिर गुणा इससे करेंगे 1 से, तो इतना ही आ जाएगा दोस्तों कितना, 8280। अब दोस्तों क्या करना है, इकाई को इकाई से घटाना है दोस्तों, तो जीरो में जीरो घटाएंगे तो जीरो, 10 में 8 घटाएंगे तो 2 हासिल आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो 3 हो जाएगा, 10 में 3 घटाएंगे दोस्तों तो 7 हासिल यहाँ आ जाएगा दोस्तों, तो 9 हो जाएगा, 10 में 9 घटाएंगे तो 1, पुनः 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 घटाएंगे 10 में तो 9, पुनः 1 आएगा, तो 10 में 1 घटाएंगे तो 9 और पुनः 1 आएगा दोस्तों, तो यहाँ 7 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, इतना लंबा आंसर दोस्तों। चाहे तो आप गुणा करें और गुणा करके भी देख सकते हैं कितना लंबा समय लगेगा। तो दोस्तों हमारा कोशिश ये है कि कम समय में कोई चीज कैसे हल करना है वही चीज हम बताने जा रहे हैं। वैसे आपको यदि दे दिया जाए तो 4 लाइन यानी 5 है तो 5 लाइन में हल करना पड़ेगा दोस्तों, आप ही सोचिए कितना लंबा चौड़ा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। छोटा है आज का वीडियो दोस्तों, लेकिन मजेदार है, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना ना भूले, ठीक है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।